गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल धीरेन्द्र झा प्रॉपर्टी पर। तो दोस्तों आज जो मैं प्रॉपर्टी आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, ये जो हमने मेरा जो लास्ट ब्लॉग आपने देखा होगा ओमकारा प्राइड, जो मैंने आपको 2.5 BHK का मैंने ब्लॉग बनाया था, उसी प्रॉपर्टी का आज मैं आपको 1 BHK का और 2 BHK का सैम्पल फ्लैट दिखाऊंगा आज के ब्लॉग में। तो आई होप दोस्तों ये भी ब्लॉग आपको पसंद आएगा, पूरा ब्लॉग देखेगा, इसमें क्या प्राइसिंग है, क्या कारपेट है, सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। और जो भी मेरे ब्लॉग को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन प्रेस करें कि जो भी ब्लॉग मैं अपलोड करूँ अपने चैनल पे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों पूरा ब्लॉग देखिए, इसकी क्या डिटेल्स है, लोकेशंस का, कारपेट, प्राइसिंग, सारे कुछ आपको बताऊँगा। पूरा ब्लॉग देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वन बी एच के फ्लैट, 436 कारपेट, ईस्ट वेस्ट फेसिंग, लिविंग एरिया, फ्लावर बेड, नीचे में जो है पार्किंग एरिया, आप देख सकते हैं आप, ये रहा लिविंग रूम। सामने में ठीक लिविंग रूम के बाहर में एक बड़ा स्पेस है, यहाँ पे भी काफ़ी स्पेस है, मतलब सामने में 2 लिफ्ट। ये आपका लिविंग रूम 1 BHK का। चलते हैं किचन की तरफ, ये मास्टर किचन, यहाँ पे जो आप ओपन स्पेस देख रहे हैं यहाँ पे आपका फ्रिज आ जाएगा सामने में, यहाँ पे आप अपना वॉशिंग मशीन रख सकते हो। यहाँ पे वॉशरूम, जो भी अभी आप देख रहे हैं वीडियो में एक्चुअल 1 BHK फ्लैट कैसा रहेगा, 456 कारपेट का, वो एक्चुअल फ्लैट आप देख लो। ये रहा आपका मास्टर बेडरूम, तो यहाँ से दिखा दिया प्रॉपर, ये रहा मास्टर बेडरूम। ये सामने में जो स्पेस है ये आपका वार्डरोब स्पेस हो गया, यहाँ पे अटैच टॉयलेट के साथ में, तो यहाँ पे भी एक वॉशरूम है, यहाँ पे एक और स्पेस है, यहाँ पे फूड, यहाँ पे टैंक वगैरह सब है। यहाँ पे आप वार्डरोब बना सकते हैं ये जगह में, और यहाँ पे आपका बेड आ जाएगा ऐसे। सामने में विंडो, ये हो गया प्रॉपर 1 BHK का मास्टर बेडरूम। सामने में विंडो, यहाँ पे भी, यहाँ पे किचन, यहाँ पे वॉशरूम, ये रहा लिविंग रूम। सिक्स 83 कारपेट, ईस्ट वेस्ट फेसिंग फ्लैट, 2 BHK, ये लिविंग एरिया आपका, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्पेशियस बड़ी बैल्कनी भी आपको 2 BHK फ्लैट में मिल जाएगी। सामने में पूरा ओपन व्यू मेन गेट की तरफ पर, ये जो नीचे एरिया है पूरा पोडियम का रहेगा, यहाँ पर बड़ी बैल्कनी, और ये रहा लिविंग एरिया। अब चलते हैं किचन की तरफ, ये रहा किचन, वन साइड प्लेटफॉर्म है, बगल में जो आप अपना फ्रिज वगैरह रख सकते हैं। किचन में भी जो है फ्लावर बेड का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे मेरा कॉमन बेडरूम, यहाँ से भी जो है पूरा बेहतरीन व्यू मिलता है, एकदम ओपन व्यू, फ्लावर बेड यहाँ पे भी है। सेकंड मास्टर बेडरूम, जो कि अटैच टॉयलेट के साथ में, यहाँ पे रहा टॉयलेट, ये रहा आपका वॉश बेसिन, यहाँ पे कबोर्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका टैप वगैरह,
इसका रेट है, ये है मास्टर बेडरूम सामने में जो है। मास्टर बेडरूम में भी ओपन व्यू मिलेगा आपको नीचे पार्किंग स्पेस का। अगर आप लोअर फ्लोर लेते हैं ऊपर भी लेंगे तो अच्छा व्यू मिल जाएगा आपको। जल्दी से एक बार फिर से दिखा दूँ, ये रहा मास्टर बेडरूम 2 BHK फ्लैट में जो कि अटैच टॉयलेट के साथ में वहाँ पर। ये रहा कॉमन बेडरूम ओपन व्यू के साथ में, और ये सामने में कॉमन वॉशरूम कॉमन बेडरूम के ठीक सामने में। ये जो आप स्पेस देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका वॉशिंग मशीन आ जाएगा, ये एक्चुअली इसीलिए बनाया गया। ये आपका कॉमन वॉशरूम, और ये रहा आपका किचन। और आपको लिविंग रूम एक बार फिर से दिखा दूँ, ये रहा आपका लिविंग रूम का व्यू। तो दोस्तों जैसे कि आपने अभी वीडियो में देखा, पहले 1 BHK का मैं आपको बता देता हूँ। तो 1 BHK फ्लैट का जो दोस्तों कारपेट है वो तकरीबन जो है 469 इसका कारपेट है। दो कारपेट है, 453 और 469। तो इसका जो 1 BHK का जो दोस्तों प्राइसिंग है वो है 36 लाख प्लस स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन, जो कि लगभग सब कुछ पकड़ के 39 लाख पड़ जाता है ऑल इंक्लूसिव प्राइस। और 2 BHK का जो दोस्तों इसमें प्राइसिंग है, दो कारपेट है 653 और 683 का। तो 2 BHK का जो दोस्तों प्राइस होता है लगभग 54 लाख प्लस टैक्सेस, और जो बड़े कारपेट में जाएंगे जिसका 683 कारपेट वो होता है 56 लाख। तो टोटल लमसम अगर आप पकड़ने जाएं विद ऑल इंक्लूसिव प्राइस तो वो 60 लाख के आसपास ऑल इंक्लूसिव प्राइस 2 BHK का हो जाता है। तो ये था दोस्तों इसका कारपेट और प्राइसिंग का डिटेल। अब मैं आपको बता दूं इसमें एमिनिटीज़ क्या है। तो दोस्तों इसमें एमिनिटीज़ में स्विमिंग पूल, गार्डन, जिम, क्रिकेट नेट्स, वॉलीबॉल एरिया, मतलब जो भी आउटडोर गेम्स होते हैं सारे कुछ है। इंडोर गेम्स में जो है दोस्तों क्लब हाउस के अंदर टेबल पूल वगैरह, कैरम जो भी होते हैं, चेस, जो भी इंडोर गेम्स के जो भी एमिनिटीज होती है वो सारे कुछ क्लब हाउस के अंदर होंगे। स्विमिंग पूल है काफ़ी अच्छा बड़ा स्पेशियस स्विमिंग पूल इसमें बनेगा। गार्डन होंगे काफ़ी स्पेशियस, वॉकिंग मतलब जॉगिंग ट्रैक एरिया वगैरह सब वॉकिंग के लिए आपको सारे कुछ एमिनिटीज़ होंगे इस प्रॉपर्टी के अंदर भी। तो इसका जो पहला ए और बी टावर जो है दोस्तों वो नेक्स्ट ईयर 2025 मार्च से लेकर अप्रैल तक में इसका पोजीशन है। और इसका जो फेज टू में जो दो टावर आएंगे सी और डी, उसका भी UI में बुकिंग उठाना शुरू कर दिए हमने। तो आप अगर UI में अगर आपको लग रहा है कि मैं 2026 दो से तीन साल रुक सकता हूँ तो आप UI में बुकिंग कर सकते हो। थोड़ा सा आपको रेट और ज़्यादा अच्छा बेटर नेगोशिएट मिल जाएगा उसमें। और अगर आप नियर बाय पोजीशन देख रहे हैं जैसे कि नेक्स्ट ईयर पोजीशन है नेक्स्ट ईयर मार्च में ए और बी टावर का, तो उसका भी प्राइसिंग जो भी मैंने आपको प्राइसिंग बताया मैंने ए और बी टावर का ही बताया है। अगर UI में आते हैं तो थोड़ा सा नेगोशिएशन और हो जाएगा जो सी और डी टावर जो भी बिल्डर लॉन्च करने वाले हैं कमिंग 15 to 20 डेज में। तो ये था दोस्तों इसका प्राइसिंग का पूरा डिटेल मैंने आपको समझा दिया, एमिनिटीज़ का समझा दिया। अब मैं आपको लोकेशन का बता दूँ, इस ओमकार प्राइड जो तलोजा का ये प्रोजेक्ट है इससे मेट्रो स्टेशन मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पे, पेंधर मेट्रो स्टेशन। यहाँ से खारगर जो है मुश्किल से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे, मतलब जो भी आपके स्कूल्स आपको अगर देख रहे हो खारगर में तो आपको आप पकड़ के चलिए कि 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में सारे कुछ आपको मिल जाएंगे। सेंटर पार्क, गोल्फ कोर्स, कॉन टेम्पल, स्कूल्स, सारे कुछ, डी मार्ट वगैरह सारे कुछ इस दायरे के अंदर ही आ जाएंगे। और पुणे एक्सप्रेस वे जो है दोस्तों अगर आपको जाना है, पुणे जा रहे हैं आप, पुणे एक्सप्रेस वे आपको टच करना है तो आप NH हाईवे से जा सकते हैं, जो आपके मुश्किल से आप पुणे एक्सप्रेस वे तक पहुँचने में आपको 10 मिनट लगेगा वहाँ से NH हाईवे होते हुए। खारगर रेलवे स्टेशन जो है तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ से, 7 to 8 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ से। तो ये था दोस्तों इसका लोकेशन का, प्राइसिंग का, कारपेट प्रॉपर्टी का जो भी है एमिनिटीज सारे कुछ डिटेल मैंने आपको समझा दिए। अब यहाँ पे आप प्रॉपर्टी सोचेंगे कि हम तलोजा में जाकर क्यों ले। तलोजा में इसलिए आप ले सकते हैं क्योंकि आसपास का जो लोकेशन है खारगर ये काफ़ी महंगा है। तो तलोजा में आपको जो है एक अफोर्डेबल सेगमेंट में अच्छा बड़ा 2 BHK मिल जाएगा। खारगर में आप अगर सही महीने में आप अगर जाएंगे 60 लाख में आजकल 1 BHK भी अच्छा नहीं मिल रहा है विथ ऑल एमिनिटीज़ में, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। आज इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, आज से 3-4 साल बाद जो है यहाँ पे भी प्राइसिंग अभी नेक्स्ट ईयर जैसे कि आपको पता है कि एयरपोर्ट शुरू होने वाला है, तो नेक्स्ट ईयर तलोजा में भी आप अगर प्रॉपर्टी लेने आते हो तो मेरे हिसाब से ये रेट में शायद आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी नेक्स्ट ईयर, सिर्फ आज से 6 से 7 महीने बाद ये रेट में आपको प्रॉपर्टी तलोजा में शायद ना मिले। तो एक अच्छा है अभी एक रेट जो है वो अफोर्डेबल सेगमेंट है, और जो रेट मैंने आपको बताया उसमें नेगोशिएशन भी हो सकता है। तो आप तलोजा में आइए, बहुत अच्छे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ओमकार प्राइड के अलावा भी बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। आप साइट विजिट करेंगे मैं आपको और भी ऑप्शन दिखा सकता हूँ।
तो एक अच्छा ऑप्शन है, आप ज़रूर एक बार साइट विजिट करिए। आई होप जब मैं आपको दो तीन ऑप्शन दिखाऊँ तो आपको पसंद भी आएगा। तो चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही, कल फिर मिलेंगे अनदर डे अनदर ब्लॉग में। आज के लिए बाय।